ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत वाणी को स्वागत दर्शक बंधु, आज आम शुणा एवं आलोचना करवा श्रीमद भागवत अंतर्गत प्रथम स्कंदर द्वितीय अध्यायस्थ 53-58 पद पर्यंत। प्रथमे कहुचार जदि मन प्रसन्न रुहे, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य हो, तो मन को प्रसन्न रखिवा पाई की उपदेश दियंती श्रीमद भागवत। ई मन प्रसन्न रहिले भगवानंकर स्थिति हृदय दृढ़ीभूत हो जाए, एवं मन प्रसन्न द्वारा जितेबले भगवत भक्ति दृढ़ीभूत हुंती कर्मर जो बंधन रही, कर्म बंधन को यही भाव विवेचना करा जाए जे मनीष जो जन्म लाभ करी वर्तमान से जो कर्म करुची से कर्म अनुसारे परवर्ती जन्म तापाई कि निर्दिष्ट होई थाए। अतएव जदि से यह जन्मरे यही जन्मरे से भगवान को उपासना करी तार कर्म द्वारा से जदि आगक बढ़े तेबे तार कर्म बंधन छिड़ी जाए, एहाकु कर्म ग्रंथि बोली कहा जाए, एवं ए कर्म बंधन को तुटेले परवर्ती जन्म जो आसिबो से जन्मरे उन्नत धरणर जन्म प्राप्ति हेब। ए कथा भागवत जणई दियंती जे जदि जीव विष्णु भक्तंकर संग लाभ करे, विष्णु भक्त जेउठी एकत्रित हो जाती सेठी आउ द्वितीय कथा आलोचित हुंती नाही, केवल आलोचित हुंती भगवानंकर कथा, ए भगवानंकर कथा को श्रवण करिवा द्वारा केवल हरिंकर निकट को मन चली जाए, एवं ए मन निर्मल हो जाए। निर्मल हवा द्वारा सांसारिकता से मन मध्य को प्रवेश करि पारंती नाही, अतएव ए मन को निर्मल करिवा पाई भागवत गर्जन करी कहंती मन निर्मल जार देही उद्धव गंगा जल सही। जय जगन्नाथ।